सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग थोड़ा देरी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जो कल का व्लॉग था उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग गया और वो आज अपलोड हो गया है। सो अभी मैं अपने फ्रेंड के पास आया हूँ। सो आज हम बोटिंग करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। चलो उसको बुलाते हैं। सो गाइज, मेरा फ्रेंड वो रेडी है बोटिंग करने के लिए और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हमसे ज़्यादा तुम लोगों का एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है। सो हम अपने चीज़ें ले रहे हैं जो हमें बोटिंग में हेल्प करने वाली हैं। चलो वो अपनी बोट को देखते हैं, वो वहीं पे है या किसी ने उड़ा ली, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बांध के नहीं रखा था। यार गाय थोड़ी है, उसको मैं बांध के रखूँगा, ठीक है। यार बोट को बांध के रखना सही है, क्यों भागने की ज़रूरत है? चुरा के ले जाएगा इसको, कोई बात नहीं। चलो अपनी बोट को देखते हैं। गाइज हमारी बोट सही सलामत अपनी जगह पे है। सो अब सीधा हम मिलते हैं तालाब में। सो हम अभी तालाब के बीचों बीच में और इसकी गहराई का अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता क्योंकि एक टाइम हो गया है यहाँ इसके अंदर जाए हुए। सो जो हमारे ड्राइवर हैं जो हम बारी बारी से चलाने वाले हैं अभी, तो तुम क्या कहना चाहोगे भाई, कैसा मज़ा लग रहा है इतने टाइम के बाद इस यहाँ पे आने में? भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम 6-7 सालों के बाद इसमें उतरे हैं। हाँ देख तो रेगुलरली, मतलब रेगुलर बेस पे देखते हैं, बट पहली बार इसके अंदर आए हैं। 7 साल के बाद हम इसमें उतरे और अब मजा आने वाला है। कितना गहरा है ये, बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है। याद है जब इस पे हम नहा रहे थे? यार वो एक अलग ही टाइम था जब हम इसमें नहाते वगैरह थे, ठीक है। अंदर नहीं जा रही है यार। और ये है नेचुरल टोपी जो हमें किस चीज से बचाती है? गर्मी से। एग्जैक्टली एजार, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तुम ही बताओ। हाँ वो निकालना है हमें। क्या निकालना है? कश्मीरी में जिसको वो बोलते हैं पमचा। पमचा ने काट। सो ठीक है, ये वाली बड़ी वाली है यहाँ पे, दिखा इसको, इधर है वो। बाद में यार वो जैसे वो उसको तोड़ के भी दिखाएंगे, बट अभी इस चीज़ के मज़े लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई यार तुम जच रहे हो इसमें, ठीक है। हाँ? सीधी तो रखो। मिल भी गई, देखो इसमें से क्या निकलता है। मुझे भी देना यार, बस कर यार। खाने में बहुत टेस्टी होती है ना।
चलो एक टाइम की बात खा रहा हूँ मैं यहाँ, मजा है यार, अलग ही फील है भाई खाने में, कसम से कुछ ज्यादा ही मजा टेस्टी है। गर्मी बहुत है तुम पे जच रही है तुम पे जच रही है। और यहाँ का व्यू गाइस बहुत अच्छा है, और ये देखो कितना खूबसूरत है ना, निहायत ही खूबसूरत है यार। बोट में पानी भर रहा है यार, क्या करें, आज हम डूबेंगे यार। चलो मुझे तो तैरना आता है, तुम्हें तैरना आता है भाई? बचपन से तो एक ही चीज तो करते थे हम इसमें। यार वो टाइम ही अलग था, जब भी वो हमारा स्कूल है जहाँ पे हम पढ़े हैं 8th तक, तो जब भी वहाँ पे छुट्टी होती थी ना, हम सीधा इसी तालाब में आते थे। और तब ना ये तालाब बहुत क्लीन हुआ करता था, बट अभी अनफॉर्चुनेटली ये उतना क्लीन नहीं है, ये हम इसमें नहा नहीं सकते क्योंकि ये उतना साफ नहीं रहा अब। ये सारा फॉल्ट लोगों का है। हाँ वो तो है, अभी इतनी तलब मचती है ना, लाइक बीच में जाए कहीं पे वहाँ पे नहाए, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, सब लोगों की वजह से। ठीक है यार, एक सेकेंड में उठ के दिखाता हूँ व्यू, बस हम डूबे ना, बस इसी बात का डर लग रहा है मुझे। और यहाँ पे ये गहरा बहुत होगा है ना, धूप भी ज़्यादा ही है ना गाइस। मस्त है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे शूट करते हैं। तो है गाइस, मुझे भी शूट करने का मौका मिला आज। जो मेरा फ्रेंड है राहुल, वो अभी आप खुद भी देख सकते हो वो क्या कर रहा है अभी, वो पानी निकाल रहा है, हमारी नाई में पानी जम गया है। और एक्चुअली अभी हम जिस जगह पे है ना, ये हमारी जगह नहीं है। हाँ, सो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से कोई भी मतलब परेशानी हो उनको या वगैरह वगैरह, तो हम अपनी हम अपनी स्पॉट पे जा रहे हैं, तो हम वहीं पे ये सारा निकालेंगे, घर के लिए हमें निकालना है। तो रोहुल भाई, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे, हम इसमें क्या कर रहे थे उस दिन? यार उस टाइम का मतलब जो एक्सपीरियंस था ना, वो अलग ही लेवल का था यार। हम लुका छुपी खेलते थे पानी में, पता है, लुका छुपी खेलते थे पानी में। बट अभी का टाइम है ना, याद तो आती है, बट वो चीजें अब हम इसमें नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये अब उस लायक नहीं रहा, मतलब पानी उस लायक नहीं रहा। हाँ, लोगों ने पानी जो है ये बहुत गंदा कर दिया है। मतलब हम एक ही घर वाले की बात नहीं करेंगे, सारे घर वाले जो
सो पिछले 2 घंटे से हम यहीं पे हैं और इन जो ये खाते खाते ना जो दांत है ना इतना दर्द कर रहे हैं पूछो मत। और एजार भाई ने जो हथियार है ना हथियार छोड़ दिए हैं, किससे चला रहा हूँ ये जो इसको अब बस्ती चढ़ी है। पिछले 3 घंटों से हम इस तालाब में घूम रहे हैं, मुझे लगता है हमने कुछ हासिल नहीं किया है। वो भी सही है, सारे लोग उतर गए, उन्होंने एक एक नाव निकाली, हमने एक भी कुछ भी नहीं निकाला। इसलिए मैं रूल बॉय से गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो बंद करिए और हम अपने काम करिए। और काम कौन सा काम करना है ए, गाइस हमें यही निकाला है, वो वाला काम भी करना है। गाइस देखो इसको कहते हैं बेहती। सो गाइस जो ये बोट में पानी कमासान भर रहा है, ठीक है, तो मैं पानी निकालने पे लगा हूं। इसको ये वाला आप भी देख सकते हैं गाइस, देखो ये फुमार है, इसको ऐसे करते फिर ऐसे। सो मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकलने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं, गाइस अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने रोल भाई को बोला है कि मुझे भी शेयर कर दो इस चैनल में, मगर ये नहीं मान रहा है, उसके लिए उसको कॉन्टेंट देना पड़। ये जो गेम है ना हम बचपन में खेलते थे, लाइक ऐसे ही पानी डालते थे। यार भाई इसमें और डालना, ज़्यादा नहीं। अबे साले इतने का क्या करूँगा मैं। इधर दिखा रहा हूँ, हेलो गाइस, गाइस इसको मस्ती चढ़ी है पता नहीं, इसको मस्ती चढ़ी है पता नहीं इसको क्या हो गया, शायद इसने किसी को देख लिया है यहाँ पे। सो गाइस बहुत मस्ती हो गई यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ दिखा दिया। तो जो ये है ना, क्या कहते हैं इसको, तालाब, ये एक फ्लड की वजह से बना था जो 1940 में आया था शायद, क्यों 1916 में आया था। और बट जो ये सब चीज़ें थी ना इसमें, लाइक जो अभी हम तोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें पहले नहीं थी। और एक्चुअली रिसेंटली 2012 या 14 में एक और फ्लड आया था, उसी की वजह से जो ये सब है ना, तो उसी की वजह से ये सब यहाँ पर आया है। बट इसकी वजह से ना जो इसकी खूबसूरती है ना और बढ़ गई है, बट पानी उतना अच्छा नहीं है, वो तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ। और जो हम ये बोट वगैरह चलाना सीखे हैं ना, वो भी इसी की वजह से है, जो फ्लड के टाइम हमको दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। सो यही रीज़न है हम ऐसे बोटिंग कर रहे हैं अभी और आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। सो कचरा जमा कर लिया जा रहा है एजार के हाथों। सो एजार कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, एकदम बकवास तो नहीं कह सकते, बट जो हम करने गए थे वो हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत धूप थी। और 4 बजे हम उतरेंगे इसमें। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में जाएंगे, मतलब कल ही नहीं 2-4 दिन ठहर गए। सो गाइज पहले हम इसको वगैरह पैक वगैरह करते हैं, तो अब सीधे मिलते हैं घर पे। सो घर में पहुँच चुका हूँ और मैं फ्रेश भी हो गया था और मैंने नहा भी लिया था और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, बट थोड़ा सा काम आ गया था घर पे, वो करने के बाद हालत फिर से नहाने वाली हो चुकी है। तो पता नहीं मैं शायद नहाने जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट उससे पहले जो मम्मी आई थी कल उनसे भी बात हो चुकी है, सो अभी उनको फिर से ड्रॉप करने जाना है, सो उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज जो वीडियो का आखिरी पार्ट है उसमें सनसेट के मज़े लें और मसरूर अभी बोट के मज़े ले रहा है, कितना खूबसूरत है ना। सो अब इस वीडियो को इसी सनसेट के साथ एंड करने का टाइम आ चुका है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।